खबरों में बात करते हैं महाराष्ट्र के भंडारा की, जहां पर विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र के भंडारा से हमारे संवाददाता जितेंद्र पटले ने उपज मंडी के तुमसर के संचालक सुभाष से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। सुभाष भाऊ बोरकर, तो हम सुभाष भाऊ बोरकर जी से इलेक्शन के ऊपर में जो यहाँ चुनाव रणनीतियाँ चल रही है भाजपा के पक्ष में, हम उनसे बात करेंगे। तो सुभाष जी, 2019 के मुकाबले भाजपा यहाँ किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? 2019 में भाजपा पिछले 5 सालों का जो काम है सरकार ने किया है, वो काम हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं और केंद्र में और महाराष्ट्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार रही। केंद्र में मोदी जी जो आज काम कर रहे हैं और देश में आज उनका जो नाम हो रहा है, विदेश में भी जो उनका नाम हो रहा है और देश की जनता भी देख रही है, और महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो काम किया है, काफ़ी अतुलनीय काम किया है और काफ़ी जनता को उसका फायदा भी हुआ है। कृषि की भी कई योजनाएं आए, उसमें भी उन्होंने काम किए हैं। पांडोट के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किए हैं और ऐसे अनेक काम हैं जिनके अपन काम बता नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे काम हैं और काम कर रहे हैं। सुभाष जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तुमसर मोवाड़ी में भाजपा की क्या प्राथमिकताएँ रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न रखे बहुत सही और गंभीर प्रश्न है, और स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में मैं भी चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और आगे भी करेंगे। जैसा शिक्षा में जो पहले भ्रष्टाचार चलता था, जो प्राइवेट स्कूल रहते थे उसमें जो बोगस कर्मचारी जो रहते थे, सबसे पहले सरकार ने उस पर बंदी लाई। उससे जो शिक्षा, जो लड़कों को शिक्षण मिलना चाहिए और उस पर अतुलनीय काम किया है, ये आप सब जानते हैं। जो बोगस और जो भ्रष्टाचार होता था वो सबसे पहले बंद किया, और भ्रष्टाचार जितना कम होगा उतना देश का विकास होगा और शिक्षा में भी निश्चित रूप से अच्छा आगे काम होने वाला है। यहाँ तुमसर मोवाड़ी में विधायक के टिकट के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, और ऐन वक्त पे यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप पटोड़े को यहाँ का भाजपा का विधायक का टिकट फाइनल हुआ, और ऐसे में यहाँ के मौजूदा विधायक थे चरण वाघमारे जो अभी अपक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इनके अपक्ष चुनाव लड़ने से भाजपा के ऊपर में या तुमसर में क्या असर हो सकता है? कोई नहीं असर नहीं। और जो जिलाध्यक्ष है हमारे प्रदीप भाऊ पटोड़े, इन्होंने भी बहुत काम किए पक्ष के लिए और कई सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, और पक्ष भाजपा ये संगठन वाली पार्टी है, इसमें कई आते हैं कई जाते हैं, इसमें कोई असर गिरने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से प्रदीप जी पटोड़े ने, अभी वो नगराध्यक्ष भी रहे राज भाऊ, यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी है प्रदीप पटोड़े, इनका राजकीय स्तर और राजकीय जो दृष्टिकोण देखने का जो नज़रिया है, ये कैसा रहा है? सबसे पहले मध्यम वर्ग से हैं और इन्होंने पक्ष के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं, और इनको काम के देखते हुए ही पक्ष ने टिकट दी है, और कार्यकर्ता जानता है प्रदीप भाऊ पटोड़े कोई पक्ष के लिए नया आदमी नहीं है, क्योंकि हम भी कई सालों से काम कर रहे हैं, और कहीं भी उन्होंने कभी पक्ष से बगावत नहीं की है, और उनकी तरफ जवाबदारियाँ भी बहुत दी है इसके पहले, और जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई जानते नहीं, सभी जानते हैं और पहचानते हैं, और अच्छे छवि वाले उम्मीदवार है और निश्चित रूप से वो जीत के आएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं, और आने हैं। और फिर से 2019 में सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है, ये बिल्कुल निश्चित है। हमारे साथ थे तुमसर के किसान भाजपा संघ के अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष सुभाष जी बोरकर, जिनसे हमारी चर्चा चल रही थी। मैं जितेंद्र पटले, CMN न्यूज के लिए भंडारा। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महुआ की, जहां पर डॉक्टर पीके सिंह राजपूत चिकित्सा अधिकारी बेलाताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर चिकित्सालय जैतापुर के सामने डेड बॉडी को रखकर रास्ते में लगाया जाम और प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। खबरों में बात करते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर की, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोड सिंह कराड़ा द्वारा सभी का पुष्पहारों से स्वागत और दीपावली दशहरे की शुभकामनाएं भी दी।
वहीं रोडसिंह कराड़ा के सहयोग से पटाखे एवं नगाड़े के साथ रेलवे स्टेशन से मीटिंग हॉल तक वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत बढ़िया कला बीती रात लगभग 9 बजे कुछ दबंग माफियाओं द्वारा घर जला दिया गया। घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया, वहीं लगभग 2 लाख का सामान राख हो गया। खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं बचा गरीब के मकान में। वहीं दबंग माफियाओं के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के, जहां पर बांसी तहसील में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यूपी के जहांगीराबाद नगर अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने 2 चुनाव अधिकारी नियुक्त किए। भाजपा हाईकमान ने नगर अध्यक्ष पद के लिए पंकज गुप्ता को चुनाव अधिकारी व सुरेंद्र सोलंकी को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। आज यहाँ मीटिंग चल रही है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या मीटिंग चल रही है? मंडल अध्यक्ष, भाजपा के मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। कितने आवेदन आए हैं नगर पे? आवेदन मेरे ख्याल से 40 से 35 के लगभग बीच में भी आ चुके हैं। घोषणा कब होनी है? घोषणा की। फिरोजाबाद हिंद हेल्थ फाउंडेशन द्वारा जिला अस्पताल के वार्डों में 850 मरीज में उनके परिजनों को फल बांटे गए। फाउंडेशन अध्यक्ष सैयद वासिफ अली ने कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य के लिए कार्य करना है। हमारी संस्था आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए निरंतर समाज को संदेश दे रही है। किस प्रकार का वितरण कार्यक्रम किए गए? हमारे मरीजों के लिए वितरण का कार्यक्रम किया है, उनके स्वास्थ्य लाभ होने की कामना के लिए। और इससे पहले हमने शुरुआत जो करी थी अपनी NGO की, तो हमने नई आबादी में सबसे पहले लोगों को राशन मुहैया कराया 1 महीने का। उसके बाद हमने राम बारात पे पानी का स्टोर लगाया सबके लिए। उसके बाद फिर हमने अभिषेक जयंती में लगाया, उसके लिए हमें देवी चरण अग्रवाल जी ने पालीवाल हॉल में सम्मानित करा, स्टेज पर बुला के, और हमारे भविष्य की सुखद भविष्य की कामना करी हमारे NGO तरफ से। उसके बाद हमने जो दुर्गा शोभा यात्रा निकली उसका हमने इस्तेमाल करा पानी से। उसके बाद ये हमारे समाज, ये हमारा 4th प्रोग्राम है। लगभग कितने वार्डों में आपने वितरण कार्यक्रम किया? ये हमारा ये 5वां, ये हमने यहाँ पर 5 वार्डों में उसमें करा, आपके पुरुष वार्ड में, महिला वार्ड में, वन वार्ड में, उसके बाद जो हमारा ये जी हाँ उसमें शिशु वाला वार्ड जो था जी हाँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के, जहां पर ब्रिज घाट पर मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान के तहत मानव मित्र डॉल्फिन की गिनती करने ब्रिटेन के डॉक्टर गिल ब्रोनिक अपनी टीम के साथ पहुंची और ब्रिज घाट गंगा का डॉल्फिन की गिनती का अभियान चलाया। गढ़ गंगा में डॉल्फिन की गिनती के दौरान गढ़ वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बापू भवन के सभागार विश्वकर्मा सेवा संस्थान के बलिया के तत्वावधान में वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने बताया कि ये सामाजिक संगठन है जो समाज के हित के लिए हमेशा सोचता है। मेरठ में आज मामूली सी बात पर हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला अनियंत्रित बाइक टकराने को लेकर था, वहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, छोटी सी घटना ने बड़ा रूप ले लिया। क्या नाम है आपका और क्या मामला पूरा? और मैं तिलकराम का काम कर रहा था हरिजनों में, लंच का टाइम हुआ था, मैं लंच करने के लिए घर से निकला तो भगदड़ चल रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे नाइयो ना माचे मैं आगे पता नहीं क्या बात है, चल तू भी देख ले जा। वहाँ देखा तो एक आमिर एक शुएब को पीट रहे थे जी बुरी तरीके से। मैं रुको, मैं अपने बड़ों को बुलवाता हूँ, मेरा भतीजा है, मैं बुलवाता हूँ। टीटू गोलम का लड़का, और कहीं को मैंने ऐसा रोका, मैं कभी रोको किसी ने लाज मार।